हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस यार, ऐसा है कि आज मौसम सुबह था बहुत ज़्यादा ख़राब, तो अभी फाइनली धूप लग चुकी है। काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई, धूप सेक रहे थे बहुत मत। तो गाइस यार, आज जो है बहुत ज़्यादा काम है फ़िलहाल। तो मुझे बाहर एक किन्नू का पेड़ है, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो टहनियाँ वो फैल चुकी हैं, वो काटना है। उसके बाद थोड़ा हमारी बाड़ी है, जिधर हम सब्जी लगाते हैं, शुगाड़ बोलते हैं उसको, वहाँ पर खड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा काम है आज फिलहाल। तो किचन में दूध गर्म करना है, दूध को गर्म करते हैं, चलो देखते हैं। तो भाई ये हो रहा है दूध गर्म, दूध को वो उबालना है, फिर उसके बाद चलते हैं भाई, फ्रेश होते हैं उसके बाद। अभी तो गैस करेंगे, ब्रश करेंगे, फिर उसके बाद नहाते हैं धोते हैं, फिर उसके बाद आपसे काम कर बाद नहाते हैं धोते हैं फिर उसके बाद आपसे। तो भाई फिलहाल तो ब्रश कर लिया है, तो पीछे आपको मेरे पीछे लहसुन दिख रही है। तो भाई मुझे याद आया कि इसको गुड़ाई करनी है इसकी, तो ये है बंगड़ू, अब हम इसकी गुड़ाई करेंगे। तो मैंने इसकी खुदाई कर दी है, तो चलो अभी फ्रेश व्रेश होते नहाते फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलो गाइस, इसको कहते हैं बंगड़ू, हमारी लैंग्वेज में बंगड़ू बोलते हैं, बंगड़ू। तो यार गाइस, खाने में कढ़ी है और साथ में मक्की की रोटी है, यार क्या बात है। तो चलो गाइस खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यार मैंने अभी नहा धो लिया है, तो खाना वाना भी खा लिया है। खाने में था भाई आज कढ़ी और मक्की की रोटी, और मक्की की रोटी तो भाई क्या बताऊँ आपको, एकदम मज़ा आता है खाने में मस्त कढ़ी के साथ, वो भी अगर कढ़ी हो तो और सरसों का साग हो तब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी आया था मैं छत पे, यहाँ पे पानी की जो टंकी है फुल हो चुकी थी, मैं आया था पानी का वाल बंद करने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर थोड़ी देर जो धूप सेक ली जाए, या देखो धूप बड़ी अच्छी लगती है यार। अभी बैठते हैं सेकते हैं, 15-20 आधा घंटा यहाँ भी धूप सेकने लेते। ये देखो भाई कितना अच्छा व्यू है यार इस टाइम लग रहा। तो भाई यार ये है हमारा किन्नू का बुट्टा, ये काफ़ी फैल चुका है, इसको काटूंगा अभी मैं। ये छिंदरी है, छिंदरी से काटूंगा अभी, देखो मैं आप जो हम इसको ठीक ठाक काटूंगा, काफ़ी फैल गया भाई। तो इसको इससे क्या कि हमारी पूरी जो शुगाड़ है वो ढक चुका है, इसलिए ये काटना जरूरी है भाई। तो गाइस सारी डालियों में मैंने काट काट के यहाँ लगा दी साइड पे, काफी बड़ा हो गया था, तो आगे पीछे इतनी जो छाँव परछाई थी वो हमारी पूरी बाड़ी को ढक रही थी, इसलिए हमने काट दिया। तो ये पूरी बाड़ी है भाई, शामेंगे अभी लगाया, एक कड़म लगा हुआ थोड़ा 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 थोड़ा, इसकी तो सारी कटिंग होगी। अब देखो कितना छोटा सा लग रहा है, लेकिन भाई आपको बता दूं यार, इस पे इतने किन्नू लगते हैं ना, कम से कम दो दो तीन तीन बोरी निकल जाती हैं पूरी। तो यार जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जो पेड़ की कटिंग की है हमने किन्नू के बूटे की, उसके ये सा ये जो है ना हमने सभी खा लिए हैं, बस थोड़े से बचे हुए हैं। ये देखो ये सारे उसी पे लगते हैं भाई, और मीठा बड़ा होता है, तो भाई पसीना भी आ गया यार। तो भाई यार आज जो काम था बहुत था, ये जो सेब का बूटा है इसकी जो कटिंग करने वाली होगी थी, इसकी कटिंग करी है, और कटिंग करने के बाद इसकी जो टहनियाँ काटी हैं वो लगा दी हमने उधर, एकदम मस्त लग रही है। तो
ये शुगार भी खनने वाला है, लेकिन अभी नहीं खनेंगे इसको, खनेंगे कल की, भी अभी बारिश होने का मौसम हो गया। तो यार इस सेब की कटिंग करने वाली थी, तो आज इसी की कटिंग करी है मैंने। देखो दिखा, ये देखो एकदम मस्त कटिंग हुई है भाई, और इसकी जो काटी टहनी है वो लगा दी साइड पे। अपनी बाइक को अच्छी तरह से धो दिया था, पूरी लिशका दी है, ए टू जेड लिशका दी है। ये देखो इंजन में जरा भी गंद नहीं फंसा हुआ, ये ना पूरा साफ कर दिया। तो यहाँ पे चल रही है पढ़ाई। सिद्धू क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? SST फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? SST सोशल स्टडीज। अच्छा मैडम कौन है तेरी पढ़ाने वाली, उनमें से कौन सी है? ये वाली नाम क्या था, नाम तो बता अपना, तेरा नाम क्या? तेरा सिद्धार्थ आगे इधर देख के बोलना यार कैमरे में, सिद्धार्थ मास्क तो नीचे कर दे कर दे कर दे नहीं करना। गाइज यार आज के ब्लॉग में कुछ दिखाने के लायक तो था नहीं, इसलिए मैं आज आपको कुछ खास दिखा नहीं पाया। तो आज बस मैं घर के कामों में बिजी था, तो बस ऐसे ही दिन चला गया। अभी गया था मैं फिलहाल तो दौड़ लगाने के लिए, तो अभी भी मेरे बाल गिल्ले हैं, पसीना पड़ा हुआ, कपड़े भी कमीज़ भी गिल्ली हो गई है। तो बस अभी घर पहुँचा हूँ। तो भाई यार आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और छोटा सा एक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलो आराम आराम।